आबिदा बहन, इस मुबारक घड़ी के मौके पर आप हमें जवाब दे दीजिए ताकि इत्मीनान हो जाए। जी निम्रा बहन, बस मुँह मीठा कीजिए। ला भाई ला, मीठा मुझे मैं देती हूँ। ईद के एक हफ्ते बाद दयान का निकाह है। आज इस सजाद भाई और निम्रा का फोन आया था, पर तब भी उसने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। तुम इस मामले को बहुत लाइट ले रहे हो बॉबी, तुम्हें इसके खतरनाक नतीजे का अंदाजा नहीं है। मामा एक बात बताया, मैं दुआ की खातिर बहुत कुछ किया है, सब कुछ बना दिया आपने, पास से रिलेटेड सब कुछ। इमाम साहब, अगर ऐसा शख्स अपनी इज्जत और हठधर्मी पर अड़ा रहे तो क्या हमें उससे जुड़े रहने की इजाजत है? हम उसके और वो हमारा हो सकता है? तो बेटी, जो रब का नहीं वो किसी का नहीं। सुग्रा, सुग्रा। जी बेगम साहबा। भाई, कबाब का मसाला रेडी हो गया? जी, कबाब तैयार करके फ्रिज में रख दिए। बस ठीक है, उसकी टिक्किया बना लेना। जी अच्छा। तो भाई खीर भी तैयार हो गई, कबाब भी रेडी हो गए, अब रह गई शीर। वो बनाएगी दुआ, सजाद को दुआ के हाथ की शीर पसंद है। वैसे बेगम साहबा, आज चांद नजर आ जाएगा? हमने तो ईद की तैयारी कर ली, अब जैसे अल्लाह की मर्जी। देखो किस किस को चांद नजर आता है। अच्छा जाओ, हरा मसाला काट के भी रख देना। जी अच्छा। दुआ, दाई आ जाओ बेटा, अजान होने वाली है। आ गए अम्मा, आ गए। बस सुगरा, ये सब रख के अपनी इफ्तारी की तैयारी कर लो, प्लेट बना लो। जी आ जाओ दाई। जी आ गया। अब्बा को तो बुला लो, वो हमेशा की तरह अपना आखिरी रोजा जमीनों पे खोलेंगे। उन सबको ईदी देंगे, फिर आएंगे। चलो, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, अल्लाह ने हमें एक और दफा ये मुबारक महीना कंप्लीट करने का मौका दिया। अल्लाह ताला कितने मेहरबान है ना, हर हर लम्हा, दिन रात हमें अपनी नेमतों से नवाजते रहते हैं। ईदी को लो, कितनी बड़ी नेमत है, इनाम है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिन्होंने रमजान को समझा है। फिर जल्दी से खाएं, नमाज पढ़ें, उसके बाद चांद भी ढूंढना है। तुमने तो अपना चांद ढूंढ लिया, अब कौन सा चांद ढूंढना है? तुम ज्यादा मुस्कुराओ नहीं, हमारे चांद की क्या खैर खबर है। अच्छा बस बस, चलिए रोजा खोलें। खजूर दो मुझे। कैसी चल रही हैं तैयारियां? बस चल रही हैं, तकरीबन हो गए। okay. बहुत शुक्रिया। भाई मुस्तजाब ने कहा कि मैंने सरप्राइज देना है, तो मैंने कहा यूं ही सही, आप लोग बताइए आप लोगों को सरप्राइज लगा कैसा? भाई सरप्राइज ऐसा लगा कि हमारे पास तो कहने के लिए अल्फाज ही नहीं, बस यूं समझ लीजिए ईद की खुशियां दोबाला हो जाएंगी हमारी। मैं तो दुआ से कह भी रहा था कि तुम्हारा चांद नजर नहीं आ रहा। चांद तो दुआ है हमारे घर का, जिसे हम इतने दिनों से मिस कर रहे हैं। अब आप लोग ईद के चांद पे गुजारा करें, क्योंकि अपना चांद तो हम ले जाने आए हैं। जानती हो कितनी तकलीफ दे रातें गुजारी है मैंने, कितने मुश्किल थे, कितने अजियतनाक थे वो लम्हे, कितना अकेला था मैं तुम्हारे बगैर। मेरे लिए भी दिन बहुत सख्त थे मुस्तजाब, सोचे बहुत अजियतनाक, बहुत तकलीफ दे थी, लेकिन मैं अकेली नहीं थी। कौन था तुम्हारे साथ? अंकल आंटी थे, क्या दयान था? मैं तो नहीं था ना दुआ। क्या मेरी जगह कोई पुर कर सकता? कोई भी? आपकी जगह कोई इंसान पुर नहीं कर सकता मुस्तजाब, लेकिन जिसके साथ अल्लाह हो उसकी कोई जगह खाली होती ही नहीं है। दुआ तुम्हें पता है, मुझे लगता था जुदाई इंसान को बदल देती है, लेकिन जुदाई इंसान को नहीं बदलती मुस्तजाब, सोच इंसान को बदल देती है। और जब जुदा होते हैं तो अच्छा खासा वक्त मिलता है सोचने समझने का। तो फिर मुझे बताइए क्या सोचा आपने? तो मैं ये सब सोच के वक्त नहीं जाया करना चाहता कि क्या हुआ क्या नहीं। मैं और माम तुम्हें लेने आया, बाकी बातें घर जाके करें। लेकिन आप दोनों ने मुझसे तो पूछा ही नहीं। देखिए इसमें पूछने की क्या बात है दुआ, और वैसे भी 1 डेढ़ महीने से तो तुम यहाँ पे हो। कल ईद है, ये तो तुम्हें घर पे गुजारनी चाहिए ना, तुम और मैं। ईद? हाँ ईद। ईद क्या होती है मुस्तजाब? किसे कहते हैं ईद? तुम्हारे नजर आने को चांद रात और हासिल हो जाना ईद है मेरे लिए। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, लेकिन मैं इससे आगे बहुत कुछ जाना चाहती हूँ। आंटी वो मैं कह रहा था कि चंद दिनों में निकाह है, ऐसे मौके पे दुआ का होना बहुत जरूरी है, तो अगर आप हमें चंद दिनों की मोहलत दे दें तो अच्छा होता। दाई बेटा तुम्हारी बात भी बिल्कुल ठीक है, बहनों के बहुत अरमान होते हैं भाइयों के लिए, लेकिन वो मुस्तजाब। अरे नहीं नहीं शकीला, ये तो ऐसे ही कह रहा है, जज्बाती हो रहा है जरा। इतने दिन से बहन भाई साथ थे ना, तब उसके जाने के ख्याल से जरा उदास हो रहा है, और कोई बात नहीं। हाँ यही बात है, हमारी सारी तैयारियां तो कंप्लीट हो गई हैं। दुआ मुस्तजाब के साथ अपने घर जाए कि ज्यादा इत्मीनान की बात है। मुस्तजाब ईद से आपका क्या ताल्लुक है? रमजान से आपका क्या ताल्लुक? मजहब से क्या ताल्लुक है? अल्लाह ताला से क्या ताल्लुक है आपका? आज आपको ये सब कुछ मुझे बताना होगा मुस्तजाब। आपका अकीदा क्या? आपका नजरिया क्या? और आपका मजहब आखिर है क्या? अगर मैं ना बताऊं तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए क्या सोचता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी ऐसी सोच से जिससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है और जिसकी वजह से तुम्हारे और मेरे दरमियान क्लैश हो रहा है। अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह से मोहब्बत, हर रिश्ते हर ताल्लुक की बुनियाद है। एक्सक्यूज मी 1 सेकंड। तुम्हारे और मेरे ताल्लुक की बुनियाद मोहब्बत है, जो मैंने तुमने एक दूसरे से किया। ओके okay? ऐसी अंधी मोहब्बत को लम्हे भर में कूड़ेदान में फेंक सकती हूँ मैं। दुआ तुम मेरी और मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रही हो, और जो मोहब्बत मुझे है आप उसकी तौहीन कर रहे हैं। For God's sake, क्या हो गया तुम्हें दुआ? कुछ तो ख्याल करो, अपना ना सही अपने घर वालों का। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा भाई, उनकी खुशियां, उनकी उम्मीदें, तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। ये किन बातों में पड़ गई हो तुम? इसका ताल्लुक एक मुसलमान घराने से है, इसका बाप मुसलमान था, माँ मुस्लिम है, इसके हर डॉक्यूमेंट में मजहब के खाने में इस्लाम लिखा हुआ है, और क्या चाहिए तुम्हें इससे? मुस्लिम घराने का फर्क, माँ मुसलमान, बाप मुसलमान, डॉक्यूमेंट्स में मुसलमान। लेकिन आंटी आपने तो एक बार भी ये नहीं कहा कि आपका बेटा बजाते खुद एक मुसलमान है। दुआ मेरी जान, मुस्तजाब के अकीदे में खामियां हैं कमजोरियां जो वक्त के साथ दूर हो जाएंगी। पर फिलहाल तुम हमारे साथ घर चलो, हम वहाँ बैठ के मुस्तजाब से सब डिस्कस करेंगे। तुमने जो पूछना हो घर चल के पूछ लेना, प्लीज मेरी जान। नहीं आंटी, जब तक मेरा इत्मीनान मुकम्मल नहीं हो जाता मैं मुस्तजाब के साथ नहीं जाऊंगी। She doesn't know how to respond to love. उसको मोहब्बत के जवाब मोहब्बत से नहीं दे रहा था। गलत फहमी दुआ को हो रही है और तुम्हारी खामोशियों से हवा दे रही है। उसे कह दो जो वो सुनना चाहता है। वो क्यों नहीं कहती जो मैं सुनना चाहता हूँ? बॉबी तुझे पागल कर दोगे। किसके लिए? जिसका इतनी सलील शर्तें मारी, दुआ के लिए, जस्ट ताकि वो खुश हो सके। And then what? What? She doesn't care. बेटा ये कोई मुनासिब बात तो नहीं थी ना। मैं प्यार से लेने के लिए आया था, तुम्हें चले जाना चाहिए था। फिर ईद है, मुस्तजाब का इतना हक तो बनता है तुम पे बेटा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सज्जाद। देखो दुआ बेटा, अगर कोई ऐसी बात वो लोग कह भी रहे हैं जो पहले तय नहीं हुई थी, तब भी तुम्हें उनकी ख्वाहिश को मुकद्दम रखना चाहिए। बेटा लड़कियों को बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, सेक्रीफाइस करना पड़ता है घर बसाने के लिए, तभी घर बसते हैं। फिर बेटा जिस तरह वो रस्मी से अंदाज में खुदाफिज कह के गए ना, मुझे लगता है वो नाराज हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखो दुआ बेटा, मैं नहीं चाहती तुम्हारे हवाले से कोई भी ऐसी बात इस घर की दहलीज के बाहर निकले बेटा, जिससे हमारा तमाशा बने। देखो दुआ, ये रिश्ता बेटा बड़े अरमानों से जोड़ा है हमने, तुमने इस रिश्ते को निभाना है। क्यों ऐसे छोटी मोटी बातों को हवा ना दो। अम्मा प्लीज, हमें दुआ का सहारा बनना है, ना कि उसकी कमजोरी। हम सबको इत्मीनान से दुआ का पॉइंट ऑफ व्यू समझना होगा, वजह से कि हम दुनिया वालों के रिएक्शंस की परवाह करें। अगर दुआ हक पर है तो हम इसके साथ खड़े हैं। तो बेटा कुछ पता भी तो चले ना आखिर। जब कुछ पता ही नहीं होगा तो हम फैसला कैसे? ये लो, शकीला की कॉल आ रही है, यकीनन शिकवा करेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। शकीला आप लोग तो ऐसे ही निकल गए कि क्या? कहाँ पे? अच्छा कोई खतरनाक बात तो नहीं है ना? एक्सीडेंट हो गया? अच्छा ठीक है, मैं और दाई आ रहे हैं। अम्मा दोबारा करें ना फोन प्लीज, दायान को फोन करें। अम्मा बेटा मिला तो रही हूँ, सज्जाद को भी कॉल कर रही हूँ, दायान को भी कर रही हूँ। अम्मा मुस्तजाब ठीक होगा ना? वो ड्राइव कर रहा था, बहुत गुस्से में था, मैंने कितनी बुरी तरह उसका एक्सीडेंट हुआ है, कितनी चोटें आई होंगी उसको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हाथ मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। अल्लाह ने बचत कर दी है, हल्का सा स्प्रे है, मैं आपको मेडिसिन लिख के देता हूँ, वो आप इस्तेमाल कीजिएगा। मेडिसिन दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिएगा। कैसे हो मुस्तजा बेटा? दर्द तो है, लेकिन जो दुख और तकलीफ मुझे दुआ ने दिया उससे कम। और शकीला कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज है, बस थोड़ा सा शॉक्ड है। बेड रेस्ट के लिए कहा है, उधर ही लेटी हैं। एक दफा इनका चेकअप हो जाए तो फिर घर पे लेके चलते हैं। मैं सिर्फ एक शर्त पे घर जाऊंगा, अगर वहां दुआ होगी तो। ठीक है बेटा, दुआ तुम्हारे साथ ही जाएगी इंशाल्लाह। अब आपको दुआ से पूछे बगैर मुस्तजाब को यकीन दहानी नहीं करानी चाहिए थी। यार देखो दाई, इस वक्त ये बातें करने का मौका तो है नहीं। तुम भी जानते हो कैसी हालत है कि दुआ करनी चाहिए उनके हाथ में। दुआ अगर मेरी बेटी है ना बेटा, तो मुस्तजाब भी मेरा दामाद है। और कम से कम इस वक्त में मुस्तजाब जो बात भी कह रहा है उसकी बात नाजायज बिल्कुल भी नहीं है। तुम एक काम करो, इन लोगों को लेके घर पहुंचो, मैं दुआ को लेके आता हूं। ठीक है। अब्बा मुस्तजाब कैसे हैं? अब कैसी हालत है उसकी? वो ठीक हो जाएगा ना? ज्यादा चोटें तो नहीं आई अब्बा उसे? बेटा चोटें तो उसे आई हैं, बल्कि ठीक ठाक चोटें आई हैं। उसका कहना यह है कि इन चोटों से उसे इतनी तकलीफ नहीं पहुंची है जितनी तुम्हारे रवैये से पहुंची है। सज्जाद सब खैरियत तो है ना? शुक्र है अल्लाह का, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है और दयान लेके गया हम दोनों को घर छोड़ने के लिए। इतना शुक्र है अल्लाह, लाख लाख शुक्र है। दुआ बेटा तुम सामान लो और चलो मेरे साथ। मुस्तजाब को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें वहां होना चाहिए। अब मैं नहीं जा सकता। बस बेटा बस, मैं नहीं सुनना चाहता कुछ और। कल ईद का दिन है और आधी रात इन सब मामलात में गुजर गई है। देख बेटा, अच्छी बेटियां जो होती हैं ना, माँ बाप का मान रखती हैं और अपना मान भी कभी टूटने नहीं देती। समझ रही है ना क्या कह रहा हूं मैं? जब सामान लाओ। शाबाश, जाओ दुआ। अल्लाह का करम ही हो गया, बस अल्लाह का शुक्र। पानी लाऊं आपके लिए? पानी? हाँ ले आओ, पानी पानी ला दो। चाहती हो मैं ठीक हो जाऊं। सिर्फ तुम्हारा टच मुझे ठीक कर सकता है। प्लीज अपना हाथ मेरे हाथ में रखो। बैठो दुआ, अपना सर मेरे कंधे पे रखो। दुआ दुआ रखो ना। दुआ, मेरी जिंदगी से जाने की कभी बात मत करना। तुम मेरी जिंदगी में शामिल नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बगैर रहना बहुत मुश्किल है। It's next to impossible। मुझे इन चोटों का कोई दर्द नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है कि मुझे तुमसे इतना करीब ले आई। मैं इनका शुक्रगुजार हूं। दुआ, मैं सूप लेकर आती हूँ आपके लिए। मुबारक। बताओ, ये सुबह ज्यादा हसीन है हमारे साथ। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। आज तुम जो चाहे कर लो, तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। फजर की नमाज पढ़नी, नमाज का ज़ोर। That's all right. Just you can call me anytime. Just get to the office, call me. Mustajab? Listen, let me just call you back, yeah? My wife's here. Yeah. Hi. You look gorgeous. आप ईद की नमाज से पढ़ने जाएंगे? हाँ? नहीं, बचपन में कभी पढ़ी थी, उसके बाद नहीं पढ़ी, याद नहीं। कोई बात नहीं, आप पढ़ना भी तो शुरू कर सकते हैं ना आज से। Excuse me, तुमने पढ़ी है? जी। It's all right. मैंने नहीं पढ़ी, मुझसे मत पूछो। और मुझे लगता है कि हम लोगों को इस बाउंड्री को क्रॉस भी नहीं करना चाहिए। ये हमारी हेल्थी शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। मुस्तजाब, एक नॉन बिलीवर के लिए ये कहना और करना बहुत आसान है, लेकिन एक बिलीवर के लिए ये करना बहुत मुश्किल और नामुमकिन है। आप मेरे साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहते हैं ना, तो मेरे अकीदे की नफी मत करिए प्लीज, उनका इकरार कर लीजिए। मैं सारी जिंदगी आपकी बनकर रहूंगी। जान, मैं जिस डिस्कशन को आपके साथ अवॉइड कर रहा हूँ, आप बार बार घूम के उसी पे आ जाते हो। And you're actually stuck. मुझे लगता है कि हम लोगों को एक दूसरे के उस जोन में जाना ही नहीं चाहिए, बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा हमारे लिए, हमारा रिलेशनशिप तबाह हो जाएगा। बिलीव मी। हमारे दरमियान ये टॉपिक नहीं रहेगा मुस्तजाब, तो हमारा रिश्ता भी नहीं रहेगा। बिलीव मी। भैया मुंह तो मीठा कीजिए। जी जी जरूर, क्यों नहीं। दुआ बेटा, तुमने मेहंदी नहीं लगाई। अम्मा वो टाइम ही नहीं मिला, रात में इतनी टेंशन हो गई थी, फिर सुबह उठते मैंने कबाब और सिवैयां बनाना शुरू कर दी। अच्छा, मैंने तो इसे बहुत मना किया निम्रा कि तुम आराम से जाके तैयार हो, घर में मुलाजिम कम है इस काम के लिए, लेकिन ये लगी रही किचन में। मैं तो इसे कह रही थी तुम्हें सिर्फ मुस्तजाब के पास होना चाहिए। दरअसल मेरी बेटी को शुरू से ही आदत है, ईद वाले दिन मीठा अपने हाथों से बनाती है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि इनके रिश्ते में मिठास रहे, मीठा तो मुलाजिम भी बना लेते। वैसे कल हादसा बहुत खतरनाक भी हो सकता था, अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक रहा। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। दुआ भी बहुत परेशान हो गई थी, काफी रो रही थी, हम सब भी हिल गए थे बिल्कुल। मुस्तजाब बहुत पेन में था, शुक्र है दुआ आ गई, वो अपने सब दुख सब दर्द भूल गया। बहुत मोहब्बत करता है दुआ से, और दुआ को भी उसकी फिक्र है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा ही जिक्र खैर हो रहा था। कैसी तबीयत है बेटा? ईद मुबारक। आओ बैठो बेटा। ईद मुबारक। ठीक है आप लोग। निम्रा तुम भी लो ना कुछ प्लीज। प्लीज चाहिए मसाला आपको? नहीं नहीं मैं रखती हूँ, मैं रखती हूँ। तुम जाओ, मैं कर लेती हूँ। ठीक है तुम ठीक हो तो। अब अगर तुम ईद वाले दिन भी इस तरह उदास रहोगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दाई मैंने उससे बात करके देख लिया, वो हक की तरफ आने पर आमादा ही नहीं। ठीक है, तुम जो भी फैसला लोगे मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। फैसला मेरे हाथ में कब है दाई? जैसे जिंदगी और मौत का इख्तियार हमारे हाथ में नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह इन मामलों में हम अल्लाह की रजा के पाबंद हैं। हमें मूज़ और जानवर की तरह नहीं खुला छोड़ा गया, हमें कुछ अहकाम पर पाबंद बनाकर भेजा गया है। इमाम साहब कहते हैं एक मुनकिर के साथ रिश्ता बन ही नहीं सकता। मैं क्या करूं? तुम कुछ ना करो, किसी की कोई परवाह करने की जरूरत नहीं, ना अम्मा की, ना अब्बा की, ना रिश्तेदारों की, ना दुनिया वालों की। किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। जब बात हक की हो तो इंसान को सिर्फ दिल और ज़मीर की आवाज सुननी चाहिए। तो मेरे घर पे खड़े होके मेरी बीवी को मेरे लिए ही भड़का है। मुस्ताब, बात सिर्फ मेरे और आपके दरमियान होगी, दायान को आप कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने भाई की परवाह है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि गलतफहमी की बुनियाद पर आप मफरूज़े कायम मत करें। मेरी सोच मेरी है। You're wrong. You're lying. तुम्हारी सोच तुम्हारी अपनी नहीं है। तुम वो सोचती और कहती हो जो तुम्हें यह पढ़ाता है। और अगर ये ना हो ना तो तुम सिर्फ मेरी बन के रहोगी। मुस्ताब प्लीज तमाशा मत बनाए, ईद का दिन है, बाहर मेहमान बैठे। ठीक है, तो तुम इसको बोलो कि अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाओ। सॉरी दाई। इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन। चलो अब बाहर चलते हैं। मुस्ताब, आपको इस तरह से दयान की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं पहुंचता। मैं अपनी हर सोच, हर अमल, हर मामले की खुद जिम्मेदार हूं। आप पहले उसके साथ बहुत ज्यादती कर चुके हैं। वो मेरे लिए खामोश रहता है, लेकिन मैं उसकी खातिर अब खामोश नहीं रहूंगी। दुआ, हर वो शख्स जो तुम्हारे और मेरे बीच में आने की कोशिश करेगा, जो भी तुमको मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा, वो एक साजिश है, बेशक वो कोई भी हो। तो तुम्हारा भाई हो, तुम्हारे पेरेंट्स हो, तुम्हारे मोस्ट रिस्पेक्टेड इमाम साहब। मुस्ताब, अब आप हद से गुजर रहे हैं। मैं आगे एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। दुआ, तुम मामला संभालने के बजाय इसे मजीद बिगाड़ रही हो। आंटी, कम से कम आप तो इंसाफ से काम लीजिए, आप तो हक की बात करें। मुस्ताब तो इतने गहरे अंधेरे में खड़े जो इंसान की हद देने का ना होने के बराबर होती है। कम से कम आपको तो सही और गलत का फर्क नजर आना चाहिए। क्या नजर आना चाहिए मुझे? यही कि तुम पहले दिन से उसके मुकाबले पे खड़ी हो, उसे मुंह के बल गिराना चाहती हो। क्या कमी है मेरे बेटे में? इससे लड़कियों की कमी थी, रिश्तों की कमी थी। बेटा, मैंने तुम्हारा इंतखाब इसीलिए किया ना कि अगर ये कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है तो तुम इसका हाथ पकड़कर इसे सही रास्ते पे ले आओ। लेकिन तुम अपनी आना का परचम बुलंद किए, खुद को पता नहीं कितना सुपीरियर समझ रही हो। बेटा, हर एक के अपने ख्यालात होते हैं, अपने नजरियात होते हैं। पल भर में किसी के दिमाग में अपनी सोच ठोसी नहीं जा सकती। तुम्हें इसकी मोहब्बत नजर नहीं आती, इसकी जात, इसकी पर्सनालिटी की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नजर में? सॉरी आंटी, मैं हर जगह हर मामले में सरेंडर कर सकती हूँ, लेकिन अपने अकीदे और ईमान पर नहीं कर सकती। और मेरा ईमान कहता है जो मेरे अल्लाह को नहीं मानता ऐसे किसी रिश्ते को ना मानता। मैं जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी दुआ। मैं जा रही हूँ मुस्तजाब। मामला जिस जगह पर पहुँच चुके हैं वहाँ पे आपका और मेरा अलग रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं अपनी सोच आप पर मुसलत ना कर सकूँ और ना ही आप मुझ पर अपनी मर्जी जता सकें। हमें एक दूसरे को स्पेस देना होगा। दुआ, इससे जाने तो मुस्तजाब। इस वक्त ये अपनी आना के माउंट एवरेस्ट पे खड़ी है। बहुत जल्दी इसे पता चल जाएगा कि इस माशरे में एक शादीशुदा लड़की की जिंदगी में शौहर की क्या अहमियत होती है। बहुत जल्द इसके पेरेंट्स हमसे खुद राब्ता करेंगे। लड़की को प्यार करने वाला शौहर और कदर करने वाले लोग मिल जाएं तो माँ बाप की आंखें और दिल हमेशा ठंडे रहते हैं। तो मेरी कानूनी बीवी हो और ये बात साबित करने की ना मुझे जरूरत है और ना गुंजाइश। मैं आज ही इस तकरीब में सबके सामने ऐलान कर दूंगी कि आपका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। Let's suppose दयान सरवाइव नहीं कर पाता, फिर क्या सूरत बनेगी तुम्हारे काम में यकीन की?